के न्यूज खबरों की नई पहचान। आठ जून को मधुपुर में 5 कोरोना के मरीजों की पुष्टि होने के बाद मधुपुर प्रशासन ने मधुपुर के उन कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया। मधुपुर बीडीओ अनंत कुमार झा ने बताया कि जो भी कंटेनमेंट जोन है उसे अगले आदेश तक सील रखा जाएगा, जिसमें लोगों का आना जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इलाके पर प्रशासन के द्वारा नजर भी रखी जाएगी ताकि लोग नियमों का उल्लंघन न कर सके। साथ ही वीडियो श्री झा ने बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन को NDRF टीम द्वारा सैनिटाइज भी कराया जाएगा तथा इन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की सारी सुविधाएं की भी प्रशासन द्वारा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब्दुल अजीज रोड में और पटवाबाद पंचायत के गोंदली टाण गाँव में ये काम किया गया है और जो भी एरिया यहाँ बाहर निकासी या अंदर प्रवेश के हैं उनकी बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि लोगों का प्रवेश और बाहर जाना वर्जित भी रहे जब तक कि उन मरीजों के बारे में और रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हो लेते हैं, तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। लगातार पुलिस और प्रशासन की नज़र रहेगी यहाँ पर। सरकार के द्वारा और क्या क्या यहाँ पर सर यहाँ व्यवस्था क्या के जो जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके उन्हें बंद कर दिया हुआ है, अगर उन क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी होती है तो यहाँ हम लोगों ने 3-4 स्वयंसेवक रखे हैं और उनका नंबर हम लोगों ने ले लिया जो हमारे लगातार संपर्क में रहेंगे और उनके फीडबैक के आधार पर हम लोगों को इनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करा पाएंगे जैसे ही इनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है। सराउंडिंग एरिया कितना होगा सर, कितना किलोमीटर का? अभी कोविड प्रोटोकॉल का MHA के तहत जो नया गाइडलाइन है उसमें बहुत बड़ा जोन हम लोग नहीं कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये क्षेत्र थोड़ा फैला हुआ है, लगभग 100 मीटर की परिधि में हम लोग इसको पूरा बैरिकेडिंग कर रहे हैं और जो भी रास्ते हैं उसको बंद करवा दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में इसको थोड़ा सा हमने कम लिया है क्योंकि वहाँ घनी आबादी है और मुख्य मार्गों को आम नागरिकों की सुविधा के लिए हम लोगों ने जहाँ तक संभव है उसको बंद करने से बचाए रखा है। थैंक यू सर।